नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और इस एफटीआर सेशन में मैं डील कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में। आप सभी को मैं यह भी बता दूं कि अपने एफटीआर के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ ऊर्जा एवं उद्योग चैप्टर्स से। तो आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। सबसे पहले है हमारा आज का पहला प्रश्न, वर्ष 2000 से 2019 के बीच राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत अभिवृद्धि हुई है। देखिए, अगर मैं बात करूं राज्य के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो राज्य निर्माण के समय मतलब नवंबर वर्ष 2000, इस समय क्षमता थी 1360 मेगावाट। वहीं सितंबर मास में वर्ष 2019 में यह क्षमता बढ़कर हो गई कितनी, 3224.7 मेगावाट। तो देखिए, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है प्रतिशत अभिवृद्धि। वैसे अभिवृद्धि हुई कितनी है तो समझिए 1360 से बढ़कर हो चुकी है 3224.7 मेगावाट। प्रतिशत में देखें तो आएगा लगभग 137%। तो कितने प्रतिशत अभिवृद्धि हुई है, तो हुई है लगभग 137%। अब ऑप्शंस में देखिए क्या दिया है, तो दिया है 127%, 126%, 125% और फाइनली ऑप्शन डी में दिया है 137%। हमने क्या देखा, सही आंसर क्या है, तो 137% है। चूंकि ऑप्शन डी में दिया है इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर दो पे। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस विद्युत गृह का हाल ही में डी कमिशनिंग किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में कोरबा पूर्व में जो विद्युत गृह क्रमांक दो है, कोरबा पूर्व में विद्युत गृह क्रमांक दो, जिसकी क्षमता कितनी है, तो 4×50 मतलब 200 मेगावाट। तो हाल ही में कोरबा पूर्व का विद्युत गृह क्रमांक दो, जिसकी क्षमता 200 मेगावाट थी, उसकी हुई है डी कमिशनिंग। क्या हुई है, डी कमिशनिंग। क्लियर। अब देखिए, हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो दिया है कोरबा पश्चिम विद्युत गृह क्रमांक एक, फिर ऑप्शन बी में दिया है कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक एक, ऑप्शन ए में क्या दिया है कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक दो। हमने क्या देखा, कोरबा पूर्व विद्युत क्रमांक दो जो है इसी का डीकमिशनिंग किया गया है। चूंकि यह विद्युत गृह क्रमांक दो कोरबा पूर्व का दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम आ जाते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न पे। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली की खपत पर कोई शुल्क नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन की सुविधा दी जाती है। अब इस बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन में ध्यान रखना, प्रारंभिक 30 यूनिट बिजली की खपत पर कोई भी शुल्क नहीं लगता। मतलब हमने क्या देखा, कितनी यूनिट की बिजली की खपत पर, तो 30 यूनिट, और प्रश्न में क्या पूछा है, यही पूछा है कितने यूनिट, तो कितना यूनिट, 30 यूनिट। अब 30 को देखिए ऑप्शन में कहां पे दिया है, तो दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसीलिए यह जो ऑप्शन सी है 30 यूनिट होने वाला है हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर। तो यह रहा हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो देखिए, चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में जमाएं।
अब देखिए, अगर मैं बात करूं भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1978 में, कहां? तो भिलाई में। एसीसी सीमेंट की बात करूं तो वर्ष 1965 में दुर्ग जिले के जामूल में इसकी स्थापना हुई। और वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष था 1966। और कहां स्थापना हुई? तो स्थापना हुई रायपुर में। क्लियर? तो हमने क्या देखा, भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड 1978, एसीसी सीमेंट 1965 और वैगन रिपेयर शॉप 1966 या 1966। अच्छा, अब इसको अगर सही क्रम में जमाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा एसीसी सीमेंट। अब देखिए, एसीसी सीमेंट कहां दिया है? दो में। तो क्या मैं एसीसी सीमेंट की जगह दो लिख सकता हूं? तो बिल्कुल। उसके बाद आएगा वैगन रिपेयर शॉप, किसमें दिया है? तीन में। तो मैंने लिख दिया तीन। अंततः आएगा भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, दिया है किसमें? तो एक में या वन में। तो मैं लिख सकता हूं वन। तो सही सीक्वेंस क्या हुआ? तो हुआ 2 3 1। अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा 2 3 1। क्लियर? तो हमने जो सीक्वेंस निकाला 2 3 1, वैसा ही सीक्वेंस दिया है ऑप्शन बी में, बिल्कुल सेम। इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो यह हो गया हमारा चौथा प्रश्न, और अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। तो देखिए, पांचवें प्रश्न में पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ग्रामों को क्रेडा द्वारा गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जीकृत किया गया है। ऑप्शंस को देखिए क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया है 1717, ऑप्शन बी में है 1517, ऑप्शन सी में है 1417 और ऑप्शन डी में क्या है, तो है 1317। तो देखिए, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में ग्राम विद्युतीकरण, क्लियर, तो ग्राम विद्युतीकरण जो है आज की स्थिति में है 100%। क्लियर? देखिए, जो सेंसस था, मतलब जनगणना, कब का? तो वर्ष 2011। इसके अनुसार यह बताया गया छत्तीसगढ़ में कुल आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 19567। अब इन 19567 ग्रामों में से 18,250 ग्रामों को, कितने ग्रामों को? 18,250 ग्रामों को परंपरागत स्रोतों से ऊर्जीकृत किया गया, और बचे हुए 1,317 ग्रामों को क्रेडा द्वारा गैर परंपरागत स्रोतों से किया गया ऊर्जीकृत। और इस प्रकार जो वित्तीय वर्ष था 2018-19, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक छत्तीसगढ़ में 100% ग्राम विद्युतीकरण जो है उसे अचीव कर लिया गया। तो हमने क्या देखा, सेंसस 2011 में बताए गए कुल 19567 आबाद ग्रामों में से 18,250 ग्रामों को परंपरागत स्रोतों से ऊर्जीकृत किया गया, और बचे हुए 1,317 जो ग्राम थे उन्हें क्रेडा द्वारा गैर परंपरागत स्रोतों से किया गया ऊर्जीकृत। क्लियर? अब हमें क्या पूछा गया है, तो प्रश्न में पूछा गया है गैर परंपरागत स्रोतों से क्रेडा द्वारा कितने ग्रामों को किया गया है ऊर्जीकृत। तो हमने क्या देखा, कितने ग्रामों को क्रेडा द्वारा किया गया गैर परंपरागत स्रोतों से, तो थे कुल 1317 या 1317 ग्राम। अब देखिए, ऑप्शंस में 1317 कहां दिया है, तो देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1317, और इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह हमारे पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो इस प्रकार था हमारा पांचवा प्रश्न, जिसमें हमने देखा कि क्रेडा द्वारा 1317 ग्रामों को क्या किया गया, तो गैर परंपरागत स्रोतों से किया गया है ऊर्जीकृत। देखिए, अब नेक्स्ट हमारा छठवां प्रश्न, नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक पुरस्कार योजना को कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो नवीन औद्योगिक नीति है यह लागू है कब से, तो 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर
2024 तक के लिए। अब इसके अंतर्गत औद्योगिक पुरस्कार योजना को ध्यान रखें आप, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो 5 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो जो नवीन औद्योगिक नीति है इसके अंतर्गत 5 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसके संदर्भ में आपको डेटा जो है 4 मिलेगा। तो मैं बता दूं, पुरानी औद्योगिक नीति में इसे 4 श्रेणियों में दिया जाता था, इस बार जान लेना 5 श्रेणियों में दिया जाता है। नवीन औद्योगिक नीति 2019-2024 में यह प्रावधान रखा गया है कि औद्योगिक पुरस्कार योजना को अब कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा, तो 5 श्रेणियों में दिया जाएगा। क्लियर? तो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए 5, चूंकि 5 दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए ऑप्शन सी जो है होने वाला है हमारे 6 प्रश्न का सही उत्तर। तो यह था हमारा 6 प्रश्न। अब नेक्स्ट है हमारा 7 प्रश्न, जिसमें क्या करना है, तो हमें सुमेलित करना है किनको, तो एक ओर है सीमेंट उद्योग और दूसरे ओर है जिले। तो सीमेंट उद्योग कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले है सेंचुरी सीमेंट, फिर है श्री सीमेंट, उसके बाद है ACC सीमेंट और उसके बाद है JSPL सीमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किसके माध्यम से, तो एक मैप के माध्यम से। तो यह रहा हमारा छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ में एक जिला है रायगढ़, और रायगढ़ जिले में है कौन सा सीमेंट, तो JSPL सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद हम नीचे आ जाएं, सबसे पहले बात कर लें इस दुर्ग संभाग की, तो दुर्ग संभाग में एक जिला है दुर्ग जिला। अब दुर्ग जिले में है कौन सा सीमेंट, तो ACC सीमेंट, कहां पर है, तो जामूल में। क्लियर? उसके बाद रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में है श्री सीमेंट, कहां पर है, तो है भरवाड़ी में, कहां पर है, तो भरवाड़ी में। इसके बाद यह है हमारा रायपुर जिला, और रायपुर जिले में है सेंचुरी सीमेंट, कौन सा सीमेंट, तो सेंचुरी सीमेंट, कहां पर है, तो सेंचुरी सीमेंट है बैकुंठ में। तो हमने क्या देखा, JSPL सीमेंट कहां पर है, तो रायगढ़ जिले में। हमने क्या देखा, ACC सीमेंट कहां है, तो है जामूल। जिला कौन सा आएगा, तो जिला आ जाएगा दुर्ग। सेंचुरी सीमेंट देखा है रायपुर जिले के बैकुंठ में, और हमने श्री सीमेंट को देखा है कहां, तो बलौदा बाजार जिले के भरवा डी में। क्लियर? तो वापस प्रश्न पर आ जाते हैं, तो सेंचुरी सीमेंट कहां देखा है, रायपुर जिले में। श्री सीमेंट कहां देखा है, बलौदा बाजार जिले में। ACC सीमेंट को देखा है दुर्ग जिले में, और JSPL सीमेंट को देखा है हमने रायगढ़ जिले में। अब पेयरिंग कर लें तो क्या होने वाला है, तो A2 के बाद है B4, जिसके बाद है C3 और अंततः है D1। A2 B4 C3 और D1। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है A2 B4 C3 और D1, और इसीलिए यह जो ऑप्शन बी है यह होने वाला है हमारे 7 प्रश्न का सही उत्तर। तो यह था हमारा 7 प्रश्न, और अब हम आ जाते हैं अपने 8 प्रश्न पे। अब देखिए 8 प्रश्न में क्या करना है, तो फिर से सुमिलित करना है, जिसमें एक और है कौन से, तो औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरे और हैं तो फिर से जिले। औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, तो कलचा है, खैरा है, परसगढ़ी है, उसके बाद है बाराद्वार। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं मैप के माध्यम से। शुरुआत करते हैं सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग में एक जिला है कोरिया, और इस कोरिया जिले में है परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में एक जिला है जांजगीर चांपा, जहां पर है बाराद्वार औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद है दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के बेमेतरा जिले में है खैरा औद्योगिक क्षेत्र, और बस्तर संभाग के बस्तर जिले में है कलचा औद्योगिक क्षेत्र। तो हमने क्या देखा, कोरिया जिले में परसगढ़ी, बेमेतरा जिले में खैरा, जांजगीर चांपा जिले में बाराद्वार, और हमने देखा बस्तर जिले में कलचा।
अब वापस आ जाते हैं प्रश्न पे। तो कलचा कहाँ देखा है हमने? तो देखा है बस्तर जिले में। खैरा कहाँ देखा? तो हमने देखा बेमेतरा जिले में। परसगढ़ी को देखा है कोरिया जिले में, और बाराद्वार को देखा है जांजगीर चांपा जिले में। अब पेयरिंग कर दो तो क्या हो गए, ए टू बी थ्री, उसके बाद है सी फोर, और अंततः है डी वन। तो क्या पेयरिंग हो गई, तो ए टू बी थ्री सी फोर और डी वन। अब ऑप्शन से इसका मिलान करें तो देखिए ऑप्शन ए में ही दिया है ए टू बी थ्री सी फोर और डी वन, और इसीलिए ऑप्शन ए जो है यह है हमारे आठवें प्रश्न का सही उत्तर। आठवें के बाद हम आ जाते हैं अपने नौवें प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में मक्का प्रसंस्करण केंद्र वह किस जिले में प्रस्तावित है? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं मैप के माध्यम से। तो ध्यान रखना यह है छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में एक जिला है, नाम है क्या, तो नाम है कोंडागांव जिला। अब इस कोंडागांव जिले में एक ग्राम है, नाम है कोकोड़ी। क्या नाम है ग्राम का, तो कोकोड़ी। और इसी कोकोड़ी ग्राम में मक्का प्रसंस्करण केंद्र जो है वह प्रस्तावित है। तो कौन सा जिला, कोंडागांव जिला, ग्राम का नाम है कोकोड़ी, और क्या प्रस्तावित है, तो मक्का प्रसंस्करण केंद्र जो है वह प्रस्तावित है। तो अब आ जाएं वापस प्रश्न पे। हमने क्या देखा है कि मक्का प्रसंस्करण केंद्र वह कोकोड़ी ग्राम, कौन सा जिला, कोंडा गांव जिले में प्रस्तावित है। अब देखिए कोंडा गांव जिला किस ऑप्शन में दिया है, तो दिया है ऑप्शन ए में, और इसीलिए यह जो ऑप्शन ए है यह सही उत्तर है हमारे नौवे प्रश्न का। क्लियर, तो यह हो गया हमारा नौवा प्रश्न। और फाइनली आ जाते हैं हम अपने दसवें प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ का प्रथम महुआ प्रसंस्करण केंद्र उसे कहां प्रस्तावित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का ही नहीं मध्य भारत का भी पहला महुआ प्रसंस्करण केंद्र जो है इसे प्रस्तावित किया गया था छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में। किस जिले में, राजनांदगांव जिले। अब ऑप्शंस को देख लीजिए, तो ऑप्शन ए में है बस्तर, बी में है रायपुर, सी में है राजनांदगांव, और डी में है कोंडा गांव। तो हमने क्या देखा, कहां पर प्रस्तावित किया गया था, तो राजनांदगांव जिले में किया गया था प्रस्तावित। अब राजनांदगांव चूंकि ऑप्शन सी में दिया है इसीलिए ऑप्शन सी जो है यह है हमारे दसवें प्रश्न का सही उत्तर। तो ये थे 10 कुछ अच्छे और कंसेप्चुअल प्रश्न छत्तीसगढ़ के ऊर्जा और उद्योग चैप्टर से। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।